आज की कहानी है मिस्टर चू नाम के आदमी की, जो विक्सन्स की दुनिया में जाकर उनके साथ संभोग करता है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। इस फिल्म का नाम है द एरोटिक गोस्ट स्टोरी 3। मूवी के शुरुआत में हमें मिस्टर चू को दिखाया जाता है जो एक ढाबे पर आते हैं, जहाँ कुछ लोग भोजन कर रहे होते हैं। मिस्टर चू भी वहाँ खाना खाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उसी ढाबे पर मिस लियू नाम की लेडी आती है, जिसे उस रेस्टोरेंट में बैठे कुछ मवाली लोग एक लड़का समझते हैं और उसे अपने साथ खाना खाने का न्योता देते हैं, क्योंकि मिस लियू ने बिल्कुल एक मर्द की तरह कपड़े पहने हुए थे। वैसे भी चाइना में लड़का हो या लड़की किसी के दाढ़ी नहीं होती। मिस लियू उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं, जिसकी वजह से उन मवालियों को गुस्सा आ जाता है और वे उस पर हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच वे देखते हैं कि मिस लियू एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, तो वे सभी मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मिस लियू हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं, तभी ढाबे के अंदर बैठा मिस्टर चू उन मवालियों को मारकर मिस लू को उन मवालियों के चंगुल से छुड़ा लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वे एक मॉन्ग के आश्रम पहुँचते हैं। आश्रम में पहुँचकर वे देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जो कि काफ़ी छोटा है। उस आदमी के सामने एक कुत्ता विशाल दानव की तरह लग रहा होता है। वो कुत्ता उन्हें काटने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर चू और मिस लियू उस कुत्ते को वहाँ से भगाकर उसके पास जाते हैं। मोंग के पास जाने पर मोंग उससे कहता है कि मुझे उस लैम्प के पास ले जाओ। मिस्टर चू उसे उस लैम्प के पास ले जाते हैं, जहाँ मोंग कुछ मंत्र पढ़कर खुद को बड़ा कर लेता है। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं और उस मोंग पर तलवार तान देते हैं। तो वो मोंग उनसे कहता है कि मैं एक डीमन नहीं हूँ, मैं एक मोंग हूँ। मेरा नाम है वीक। मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था कि कैसे हम अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सुनकर वे दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद मिस लियू नहाने चली जाती हैं और मोंग और मिस्टर चू बातें करने में लग जाते हैं। तभी आसमान में बिजली गिरती है। उस बिजली की वजह से उस मोंग को थोड़ी चोट लग जाती है, पर बिजली के लियू पर गिरने से पहले उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। ये देखकर वो मोंग हैरान हो जाता है और वो मिस्टर चू से पूछता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। मिस्टर चू उसे कुछ डेट बताता है। उस डेट का कैलकुलेशन करने पर वो मोंग काफ़ी खुश हो जाता है। वो मिस्टर चू को बताता है कि उसका जन्म एक खास नक्षत्र में हुआ था, जिसकी वजह से उसके पास एक स्पेशल पावर है। आगे मोंग शराब लेने के लिए अंदर चला जाता है। मिस्टर चू उस आश्रम के इधर उधर घूमने लगता है, तभी मिस्टर चू की नज़र दीवार पर बनी एक पेंटिंग पे जाती है। जब मिस्टर चू उस पेंटिंग को देखता है तो उस पेंटिंग में बनी लड़कियां उसे जीवित नज़र आने लगती हैं। ये देखकर मिस्टर चू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जब मॉन्क उसके पास आता है तो वो उस मॉन्क को बताता है कि ये पेंटिंग वाली लड़की मुझे देखकर हंस रही थी। तो वो मॉन्क उसे बताता है कि ये नरक जाने का रास्ता है, यहाँ पर कुछ विक्सेंस रहती हैं। ये सुनकर मिस्टर चू पूछता है कि क्या मैं उस लड़की को वापस देख सकता हूँ। तो मॉन्क पहले तो मना करता है, पर मिस्टर चू के बार बार पूछने पर मॉन्क कहता है हाँ, तुम नरक जाकर उनसे मिल सकते हो, पर तुम्हें 24 घंटे के अंदर उस नरक से वापस आना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए उस नरक में फंस जाओगे। मिस्टर चू उस लड़की को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वह मॉन्क की मदद से उस दीवार के उस पार नरक में चला जाता है। नरक में जाने पर उसे वो ही पेंटिंग वाली लड़कियां दिखती हैं जो नृत्य कर रही होती हैं। मिस्टर चू उसमें से एक लड़की को एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ खपागप करने लग जाता है। इस कार्यक्रम को वे दो लड़कियां बाहर दीवार के छेद से देख रही होती है। उनकी काम क्रिया को देखकर उनके अंदर की वासना भड़क उठती है और वे अपनी उंगली से खुद को संतुष्टि प्रदान करने में लग जाती हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो लड़की मिस्टर चू को उसके नाम से बुलाती हैं। ये सुनकर मिस्टर चू थोड़ा शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे जानती हो, मैंने तो बताया ही नहीं है। इस पर वो लड़की बताती हैं कि उसका नाम मैंग है, उसके पापा एक ज्योतिषी थे जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर देते थे। उन्होंने मिंग के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था कि उस पर 17 साल की उम्र में एक आपदा आने वाली है। इसी आपदा से बचाने के लिए मिंग के पापा ने उसे कुछ समय के लिए उस हेल में रखा था और कहा था कि मिस्टर चू नाम का आदमी धरती से आकर उससे शादी करेगा, उसके बाद ही मैंग इस धरती पर वापस आ सकेगी।
अब मिस्टर चू को भी मिंग से प्यार हो गया था, इसलिए वो भी उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। आगे उस कमरे में लेडी सिप आती हैं। जब वह मिस्टर चू को देखती हैं तो वह उसकी खातिरदारी करने के लिए रात की पार्टी की तैयारी में जुट जाती हैं। इधर बाहर दुनिया में मिस ली उस मॉन्क से पूछती हैं कि मिस्टर चू कहाँ हैं, तो मॉन्क उसे उस दीवार के पास लाकर कहता है कि वो इसके अंदर गए हैं। ये सुनकर मिस्टर लियू को लगता है कि वो मॉन्क उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे बार बार पूछने लगती हैं, लेकिन हर बार मॉन्क का जवाब यही होता कि वो इस दीवार के अंदर गए हैं। अंत में मॉन्क किसी तरह उसे कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं। अंदर नरक में रात को लेडी सिप ने मिस्टर चू की खातिरदारी के लिए एक पार्टी रखी थी और सभी नाच गाना करने में मशगूल थे। लेडी सिप मिस्टर चू को ड्रिंक ऑफर करती हैं। पहले तो मिस्टर चू ड्रिंक करने से मना कर देते हैं, पर वहां मौजूद सभी लोगों के कहने पर उन्हें शराब पीनी ही पड़ती है। धीरे धीरे मिस्टर चू को इतनी शराब पिला दी जाती है कि उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। तभी उस पार्टी में एक आदमी आता है जो वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को मारपीट करके उनके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उनके साथ गपागप करके उनकी हालत ख़राब कर देता है। अपनी हवस बुझाने के बाद वो मिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब मिस्टर चू को होश आता है तो वहाँ पड़ी लड़कियों से मिस मिंग के बारे में पूछता है, तो वो लड़कियाँ बताती हैं कि एक डीमन च्यूयान उसे लेकर चला गया है। इस बात से गुस्सा होकर मिस्टर चू उस च्यूयान को मारने चला जाता है, जहाँ पर वो च्यूयान के साथ फाइट करता है। इस फाइट में मिस्टर चू च्यूयान के पेट में तलवार डाल देता है। तभी वहाँ पर च्यूयान का हमशक्ल मिंग को लेकर आता है और यहाँ पर मिस्टर चू को पता चलता है कि उस पार्टी में लड़कियों के साथ गपागप करने वाला कोई और नहीं बल्कि लेडी सिप ही थी। दरअसल च्यूयान हेलगेट की रक्षा करता था, जिसकी वजह से लेडी सिप इस धरती पर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी ताकि वो इस नरक से बाहर की दुनिया में आ सके। क्योंकि अब च्यूयान मर चुका है तो उसका रास्ता भी साफ हो गया है। उसके बाद वो मिस्टर चू को काल कोठरी में बंद कर देती हैं। इधर बाहरी दुनिया में मिस लियू और वो मॉन्क अभी भी उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मिस लियू मॉन्क से पूछती हैं कि अगर मिस्टर चू 24 घंटे के अंदर बाहर नहीं आए तो क्या होगा, तो वो मॉन्क कहता है कि अगर मिस्टर चू 24 घंटे के अंदर बाहर नहीं आया तो वो ना ही आदमी रहेगा और ना ही वो भूत बनेगा, वो नरक और दुनिया के बीच कैद होकर रह जाएगा। ये सुनकर मिस लियू उस मॉन्क से खुद भी उस दीवार के अंदर जाने की जिद करने लगती हैं ताकि वो मिस्टर चू को उस नरक से बाहर ला सके। अंदर नरक में लेडी सिप की जीत की खुशी में पार्टी कर रही होती हैं। वही एक साइड में मैंग काफ़ी उदास बैठी हुई होती हैं, क्योंकि उसे मिस्टर चू से सचमुच का प्यार हो गया था। वो मिस्टर चू को उस काल कोठरी से बाहर निकालना चाहती थी। वो किसी तरह लेडी सिप की नज़र से खुद को बचाते हुए मिस्टर चू से मिलने जाती हैं, जहां मिस्टर चू को काल कोठरी में बांधा हुआ होता है। मैंग वहां मौजूद गार्ड को मारकर उसे वहां से भगा रही होती हैं। तभी लेडी सिप के आदमी वहां पर आ जाते हैं और मिस्टर चू को लेकर लेडी सिप के सामने पेश किया जाता है। लेडी सिप अपने मुंह से कुछ छोड़कर मिस्टर चू को बेहोश कर देती हैं। उसके बाद मिस्टर चू को एक बिस्तर पर लिटाकर उसके बेलन की सवारी करने लग जाती हैं, जिसे उसकी गेट के बाहर खड़ी मैंग देख रही होती हैं। ये देखकर वो रोने लगती हैं, क्योंकि वह मिस्टर चू से प्यार करती थी। लेडी सिप मिस्टर चू के साथ इतना गपागप करती हैं कि मिस्टर चू के मुंह से फीस बाहर आने लगती हैं। तभी लेडी सिप को बाहर किसी के होने का अंदेशा होता है। जब वह कपड़े पहनकर बाहर आती हैं तो मैंग और उसकी सिस्टर लेडी सिप का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं और मिस्टर चू को लेकर उसे बचते बचाते हुए हेलगेट के पास ले जाते हैं, जहाँ पर धरती और नरक का द्वार खुल जाता है। मैंग मिस्टर चू को धक्का देकर धरती पर भेज देती हैं। जब वह खुद आने की कोशिश करती हैं तो लेडी सिप उसे पकड़ लेती हैं। इधर बाहर दुनिया में मॉन्क और मिस लियू मिस्टर चू के आने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। तभी मिस्टर चू उस हेलगेट से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वे देखते हैं कि मिस्टर चू को बहुत चोट लगी है, तो मॉन्क समझ जाता है कि च्यूयान की तलवार से मिस्टर चू को चोट लगी होगी। वो मिस लियू को बताता है कि मिस्टर चू को ठीक करने का एक ही उपाय है, अगर कोई लड़की मिस्टर चू से अपनी वर्जिनिटी तोड़वा कर उनसे शादी करेगी तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे और उनकी ताकत वापस आ जाएगी। ये सुनकर मिस लियू कहती हैं कि ये काम मैं करूँगी,
लेकिन मिस लियू इतनी भोली होती हैं कि उसे लड़के लड़कियों के बीच होने वाली खपागप का आइडिया ही नहीं होता। इसलिए मोंग और लियू मिलकर किसी तरह मिस्टर चू से संभोग करने में कामयाब हो जाते हैं। घबाघब करने के बाद मिस्टर चू की ताकत वापस आ जाती है। मिस्टर चू जब होश में आता है तो वह सिर्फ मिंग का नाम जप रहा होता है, जिसे सुनकर मिस लियू को काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ भागकर उस हेलगेट के पास आ जाती है। तभी हेलगेट से एक हाथ निकलता है और वो हाथ मिस्टर लियू को अंदर की तरफ खींच लेता है। नरक में मेंग को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी लेडी शिप का एक आदमी मिस लियू को लेकर लेडी शिप के पास आता है। लेडी शिप लियू से पूछती हैं कि तुम मिस्टर चू की क्या लगती हो। लियू बताती हैं कि वो मिस्टर चू की वाइफ है। ये सुनकर लेडी शिप अपने आदमियों से कहती हैं, इसे तैयार करके मेरे बेडरूम में लाओ, इसे तो मैं वहाँ पर ठीक करूँगी। उसके बाद लेडी शिप के आदमी मिस लियू को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर मिस लियू की नज़र मिंग से टकराती हैं। वे एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाहर दुनिया में अब भी मिस्टर चू मेंग का नाम जप रहा होता है और मोंग मिस्टर चू की देखभाल कर रहा होता है। जब मिस्टर चू को पूरी तरह से होश आ जाता है तो मोंग मिस्टर चू को बताता है कि मिस लियू ने उसके साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़वाकर उसे ठीक किया है, उसे अब मिंग को भूल जाना चाहिए। आगे मिस्टर चू उस मोंग को बताता है कि उसने च्यूयान को मार दिया है। लेडी शिप के कहने पर ये सुनकर मोंग उसे कोसते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि च्यूयान हेलगेट की रक्षा करता था जो विक्सन्स को हमारी दुनिया में आने से रोकता था। आगे मिस्टर चू मोंग से पूछता है कि वो लेडी शिप कौन थी। तो मोंग उसे बताता है कि वो लेडी शिप कोई औरत नहीं बल्कि एक विक्सन्स है। विक्सन एक लोमड़ी होती है जो हजारों साल तक तपस्या करके एक इंसानी रूप धारण कर लेती हैं। उन दोनों के बीच ये सब बातचीत चली रही होती है कि तभी मिस्टर चू आसपास नज़र दौड़ाता है तो उसे मिस लियू कहीं नज़र नहीं आती। फिर वे दोनों मिस लियू को ढूंढने लगते हैं। उन्हें हेलगेट के बाहर मिस लियू का एक कपड़ा मिलता है, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि मिस लियू हेलगेट के अंदर चली गई है। मिस्टर चू लियू को बचाने के लिए उस मोंग को भी अपने साथ उस हेल में चलने के लिए बोलता है, पर मोंग उसे साफ मना कर देता है। पर मिस्टर चू उस मोंग को जबरदस्ती अपने साथ उस हेल में लेकर चला जाता है। हेल में पहुंचने पर वे वहां सैनिकों से लड़ाई करके मिंग को बचाने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद वे तीनों मिलकर लियू को बचाने जाते हैं, जहां पर वो लेडी शिप की लियू के साथ खुद को रगड़ रही होती हैं। इसे देखकर वे तीनों एक प्लान बनाते हैं। वो मोंग के एक मंत्र पढ़कर खुद को एक छोटे रूप में बदल लेता है और मैंग जाकर लेडी शिप के साथ खुद को रगड़ने लगती हैं। जब मैंग खुद को लेडी शिप के साथ रगड़ रही होती हैं, मौका पाकर वो मोंग लेडी शिप की काली गुफा में घुस जाता है, क्योंकि वह काफ़ी छोटा था। वो लेडी शिप की काली गुफा से होते हुए पेट में चला जाता है। पेट में जाकर वो लेडी शिप के अंदर लात मारने लगता है, जिस कारण लेडी शिप को स्टोमक पेन होना शुरू हो जाता है। वो मिंग को धक्का देकर खुद से अलग कर देती हैं। तभी कमरे में मिस्टर चू भी आ जाता है तो लेडी शिप के साथ फाइट करने लग जाता है, पर स्टोमक पेन होने की वजह से लेडी शिप कुछ नहीं कर पाती। मौका देखकर मिस्टर चू मैंग और लियू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब लेडी शिप को भी पता चल गया था कि उसके पेट के अंदर कोई है, इसलिए वो अपने पेट को हिलाने लगती हैं, जिसकी वजह से मोंग का संतुलन बिगड़ने लग जाता है। आगे मिस्टर चू उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी लेडी शिप के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वे तीनों किसी तरह उन सैनिकों से निपटने में कामयाब हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर लेडी शिप आ जाती हैं। वो अलग अलग रूपों में उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं, पर वे किसी न किसी तरीके से लेडी शिप को हराने में कामयाब हो जाते हैं और वो मोंग भी लेडी शिप के शरीर से बाहर आने में सफल हो जाता है। इन सब में मिस लियू की मौत हो जाती है। मिस लियू की मौत के बाद मोंग मिस्टर चू को मैंग को हेल और धरती के बीच की दुनिया में रहकर च्यूयान की जगह उस हेलगेट की रक्षा करने का दायित्व सौंप देता है और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।